चलिए अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की। तो अक्षय तृतीया के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी इस दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों ने गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में स्नान किया और दान पुण्य कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति की। पौराणिक मान्यता है कि संगम में डुबकी लगाने के बाद तट पर स्थित अक्षय वट के नीचे पूजा अर्चना करने से जो पुण्य फल अर्जित होता है जो कभी खत्म नहीं होता। श्रद्धालु विष्णु के अवतार वेणी माधव के दर्शन करने के बाद अक्षय वट के नीचे आराधना पूजा कर अपना पुरुषार्थ अच्छा बना रहे हैं। मान्यता यह भी है कि स्नान के नष्ट होने के बाद आई प्रलय में भगवान विष्णु बाल मुकुंद का रूप धारण कर बाल रूप में एक पीपल के पत्ते में लेटकर जल में विचरण करते हैं। उस समय यही अक्षय वट जो है वो उनका अंश बनकर उन्हें छाया प्रदान करता है। ये वृक्ष अक्षय और इसी वजह से इसके नीचे अर्जित किया गया पुण्य जो है वो कभी क्षय नहीं होता, यानी कि नष्ट नहीं होता। आपको बता दें कि 23 साल बाद सोमवार के दिन और रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया पड़ रही है। अब ये संयोग काफी वर्ष बाद आया है, ऐसे में लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो दान पुण्य कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया आज मनाया जा रहा है और गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी आज किया जाता है, इसका भी प्रचलन होता है। आज माँ गंगा में स्नान करने का ये पर्व था कि आज अक्षय तृतीया है और इस दिन स्नान करने से बहुत ही लाभ मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं संगम में इस समय कितने ही श्रद्धालु भक्तगण इस समय स्नान कर रहे हैं और आज के दिन बहुत भाग्यशाली लोग ही स्नान कर पाते हैं। जैसा कि संगम पर इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है, ये गंगा स्नान के लिए ही मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पूजा विधि विधान से अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार किया जाता है। विधान तो बहुत है लेकिन जैसे जिसका भाव रहता है, जिस प्रकार से प्रेम रहता है, उस प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि कर। चलिए ईद भी है और ईद के साथ साथ अक्षय तृतीया का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता भी मौजूद हैं अलग अलग जगहों से। प्रयागराज से आनंद राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है वहां पर? देखिए राष्ट्रीय प्रयागराज का संगम तट आपस में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दरअसल यहाँ त्रिवेणी संगम है जहाँ तीनों संगम का मिलान कहा जाता है और यहाँ पर स्नान करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति की कामना होती है। ऐसे में क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और आज का खास महत्व है क्योंकि अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी से कोऑर्डिनेट किया गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी दीपावली में कहा जाता है कि दीपावली का त्यौहार में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन अक्षय तृतीय पर माँ लक्ष्मी की खास पूजा होती है और खासकर सोने चांदी भी खरीदे जाते हैं। तो ऐसे में उन आम आदमियों के लिए जो उनके लिए अक्षय तृतीय काफी महत्व रखता है, तो आज सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी, स्नान किया और बाकायदा पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया और ये माँ गंगा से कामना की कि उनके जीवन में चले। आज दिन भर क्या कुछ आयोजन है आनंद, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। विकास हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? अक्षय तृतीया का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां आज हरिद्वार में? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद, आपको बता दूं फिलहाल मैं हर की बोड़ी ब्रह्म कुंड के सामने खड़ा हूँ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं माँ गंगा में जो श्रद्धालु सब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो भी आज के दिन दान पुण्य या गुप्त दान करता है उनकी जो है समृद्धि और शुभकामनाएं उनको जो है मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर आज पहुंचे हैं और करीबन 2 साल के बाद जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ये हर की पौड़ी पर आज देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरह से आज जो गंगा स्नान अक्षय तृतीया का ये दिन आज काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु अनंत के साथ प्रकट हुए थे और आज के दिन जो भी माँ गंगा की पूजन अर्चना करता है, जो सेवा करता है, जो यहाँ पर जो है दान पुण्य यहाँ पर करता है, तो कहीं ना कहीं सभी को जो यहाँ पर बहुत ही सुख समृद्धि की यहाँ पर जो है कामना मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आज माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे जो यहाँ पर तमाम जो हरिद्वार के गंगा घाट है वहां पर जो सभी श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में राशि साफ तौर बात देख सकते हैं जो गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु उन सभी में जो काफी खुशी की ले रहे, महिला भी जो यहाँ पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे, तमाम जो हर की पौड़ी के जो तमाम घाट है उन सभी पर जो है श्रद्धालु का बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आनंद आपका, विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए।
वही अक्षय तृतीया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु जी और भगवती मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि वो सभी के जीवन में संपन्नता, आरोग्यता और प्रसन्नता का संचार करे। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है और प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी है। तो समस्त प्रदेशवासियों को यहां पर अक्षय तृतीया पर बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ट्वीट कर ये शुभकामनाएं दी है और जीवन में संपन्नता, आरोग्यता व प्रसन्नता का संचार करे, ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। इससे पहले आप हरिद्वार की तस्वीर और प्रयागराज की तस्वीर देख रहे थे जहां पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है।